भक्ति और ध्यान आप लोग एक ही चीज मानते होंगे कि भक्ति भी वही है ध्यान भी वही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। ध्यान का अर्थ होता है खुद को जान लेना, ज्ञान को जान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये समझ लेना कि मेरे अंदर ही वो परमात्मा है, मेरे अंदर ही वो परम तत्व है, रोम रोम में वो परम तत्व है, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर में ही प्राप्त होता है, बाहर कुछ प्राप्त नहीं होता। भक्ति का मार्ग थोड़ा सा अलग है, वो ये कहता है कि हे परमात्मा तू ही तू है सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा भेद है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब तू खत्म हो जाता है कि तू ही तू है, मैं मिट जाता है कि मैं कुछ भी नहीं तू भी कुछ भी नहीं, तब जा करके समझ में आता है ये मैं और तू का भेद क्या होता है। मैं और तू का भेद बड़ा गंभीर होता है। जब तक मैं रहता है तब तक भी पूर्णता नहीं होती, जब तक तू रहता है तब तक भी पूर्णता नहीं होती। पूर्णता तब होती है जब ये दोनों शब्द समाप्त होते हैं, लेकिन इतना इंतजार कौन करे। ध्यान के नाम पर बस विचार पैदा हुए कि हमें ध्यान करना चाहिए, मुझे भी आवश्यकता है ध्यान की, ध्यान नहीं कर पाए। भक्ति के नाम पर क्या किया हम लोगों ने, गौशाला तक चले गए, कुछ चारा डाल आए, यही हमारे लिए भक्ति है। भक्ति के नाम पर क्या किया हम लोगों ने, भागवत करा दी, कुछ सुन लिया भागवत, दो चार भंडारे करवा दिए, क्या यही भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ये भक्ति, आप भ्रम के अंदर हैं, आप संसार के अंदर हैं, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग ही नहीं है। भक्ति का मार्ग तो नाम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग तो सुमरण का मार्ग है। कितना आप लोगों ने सुमरण किया, कितना आपने अपने सांसों के ऊपर पकड़ की, कितना आपने अपने सांसों के ऊपर पकड़ करके आप अंदर की ओर उतरे हो, कितना आपने खुद के ऊपर कंट्रोल किया है, कितना आपका मन सूक्ष्म हुआ है, कितनी आपकी हृदय के अंदर जो पकड़ है, जो जागृति है वो हुई है, कितना आपने विचारों के ऊपर कंट्रोल किया है, कितना आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपका समर्पण है, आप सोचिए। ये सब सवाल आप लोगों के लिए हैं। तो आप ध्यान नहीं करोगे उस परमात्मा का तो परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते, कितना भी प्रयत्न कीजिए। जब तक आपके अंदर समाधि की भावना नहीं जागेगी, आप ध्यान नहीं करेंगे, दो चार घंटे बैठेंगे नहीं, नाम का सुमरण नहीं होगा और बैठ करके सोएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप सोए तो फिर वही खेल होगा, फिर आप वहीं अटक जाओगे। कि कुछ लोग तो 10 मिनट होते ही कहते हैं कि आज ध्यान नहीं लगा। अरे भाई आज तू ध्यान कैसे लगेगा, आज तो नहा धो करके बैठा है, थोड़ा कोशिश कर रहा है, एक्टिव है, आज कैसे ध्यान। वो जिसको आप ध्यान मान रहे हो वो ध्यान नहीं है, वो नींद है, आलसी शरीर हुआ, गर्दन झुकाई और बैठ कर गए, तो ये ध्यान नहीं है। आपको अगर ध्यान लगाना है तो मन को देखिए बैठ करके, मन क्या कर रहा है। आप विचारों को देखिए बैठ करके, विचार क्या कर रहे हैं। आप श्वासों की गति को देखिए, श्वास कैसे चल रहे हैं। आप अंदर में देखिए, अंदर में क्या चल रहा है। आप एक एक चीज के ऊपर नजर डालिए, आंखों के ऊपर आंखें क्या कर रही, इंद्रियां क्या कर रही। जब एक एक चीज के ऊपर ध्यान होगा आपको पता चल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा, लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं की, बस बैठ गए कि देख लेना। अरे वो तो देख ही रहा है, आप किसको ढूंढ रहे हैं, उस परम पिता को, उस परम तत्व को, किसके लिए मंदिर जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर वो परम सत्ता विराजमान है, आप उसको उठा करके घूम रहे हैं। उस परम सत्ता के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, आपका श्वास नहीं चल सकता, आपका कदम नहीं उठ सकता, आपकी पलकें नहीं झपक सकती, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एक रोम तक उसके अंदर जो आपका रोम है वो भी नहीं खुल सकता। किस प्रकार से आप कहाँ खो गए हैं, किसको खोज रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं वही उसी को उठा करके ले जा रहे हैं। आपके अंदर वो परम सत्ता, वो परम तत्व विराजमान है, वो पूर्ण परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, और आप उसी को उठा करके ले जा रहे हैं किस किस के पास, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और इधर उधर के जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर की पूजा पाठ करेंगे। ये सब बाहर की विधियां हैं, ये सब बाहर का वेल, सब आपको भटकाने के लिए कह किया गया है कि बाहर फंसे रहे, कि ये समझ जाए, यहाँ से समझ जाए, यहाँ से समझ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किताबों के अंदर केवल इशारा कर दिया गया है, मात्र एक इशारा कर दिया गया कि परमात्मा ऐसा है,
बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खोलोगे और प्रकाश नजर आएगा और आप कहोगे कि हाँ परमात्मा नजर आ गया, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। आप किताबें खोज करके देखिए, लाखों किताबें पढ़ लीजिए, पूरी लाइब्रेरी पढ़ लीजिए, क्या हासिल होगा? आप विद्वान तो हो जाएंगे लेकिन ज्ञानी नहीं होंगे। आपका जो बुद्धि है वो तो विकसित हो जाएगी लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान के द्वारा होगी, भक्ति के द्वारा होगी, समर्पण के द्वारा होगी।